गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? ऑडियो वीडियो देखिए प्लीज, क्लियर आ रही है? ओके, सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं। हाँ, वो मेरा सैनिटाइजर गायब हो गया था, मैं ढूंढ रहा था तो मैं माइक वाइक सैनिटाइज हो नहीं पाया था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो अपन शायद लास्ट क्लास में हम लोग रेडिएशन का न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग किए थे, क्यों? हाँ, रेडिएशन का न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। अब बेटा ये इससे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो कोई आप में से इसका मुझे फॉर्मूला रिकॉल करा देगा क्या? कोई आप में से मुझे फॉर्मूला रिकॉल करा देगा? चलिए गौरी दीदी बताएंगी। गौरी दीदी, हाँ, इसका बेटा फॉर्मूला बता, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। सर, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू के, और फिर एवरेज टेम्परेचर का, और माइनस टी नॉट। वो पूरा पूरा वो सिग्मा ए अपॉन एम एस टी नॉट का क्यूब, और फिर टी माइनस टी नॉट, ऐसा कुछ आया था, चार भी था। फोर कहां था बेटा, ऊपर या नीचे? फोर कहां था? ऊपर, यहां पे फोर, यहां ऐसा था। अच्छा गौरी दीदी, ठीक लिखा है ये? यस सर। अब इसमें टी नॉट कांस्टेंट रहता है, तो इनका मतलब ठीक है फॉर्मूला इज दिस, बट इनका न्यूमेरिकल फॉर्मूला कुछ अलग आया था। न्यूमेरिकल फॉर्मूला इनका ठीक है, तो हर्ष बताएगा बेटा न्यूमेरिकल फॉर्मूला इनका क्या था। हर्ष, जो लोग माइक ऑन नहीं कर सकते वो लोग चैट बॉक्स में ये लिख देंगे, तुरंत अभी लिख दें, ताकि मैं एक बार नाम पढ़ लूं, इनके नाम बार बार नहीं बोलूंगा। जो लोग असमर्थ हैं माइक ऑन करने में, प्लीज वो लोग जरा यहां लिख देंगे। हाँ, एक हिमांशु नहीं कर सकते तो वो नाम नहीं बोला। ओके, अभिनव और पाखी, अनुष्का, नितेश, इशित, हर्ष, हर्ष भी नहीं कर सकता वो, और यशवा भी नहीं कर सकते, प्रयाति भी नहीं। ओके बेटा, मतलब इतने लोगों को छोड़ करके नाम, प्रियांशी भी नहीं कर सकती। चलो हिमांशु, हिमांशु बेटा आप कर सकते हैं सर? हाँ सर, ये फोर तो बाइनोमियल करेंगे तब आएगा आगे। बाइनोमियल हो चुका है इसका ना, तो सर फिर ये थोड़ा गड़बड़ है, डेल्टा टी आएगा ना, तो डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट को ही तो डेल्टा टी लिखा है। अरे हाँ सर, क्रिसमस मनाया ना खूब तूने? नहीं। अच्छा, हर्ष कह रहा है ये सर, ये हर्ष भी कह रहा है चार नहीं आएगा, एक बार फॉर्मूला देख लो ना तुम लोग। नहीं सर, सही है। नहीं, हर्ष को भी ऐसा लगता है चार नहीं आएगा। हर्ष देख ले बेटा, तो गौरी से तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यशराज तू भी, तुझे केक अलाउ किया था मैंने खाने को, तूने पीने लगा तू? नहीं सर, केक अलाउड था बस। हाँ गौरी दीदी फ्री थी। चलो तो हिमांशु बेटा बताएगा इसका फॉर्मूला? अच्छा हिमांशु नहीं बता पाएंगे। अच्छा चलो यशराज तुम ही बताओ बेटा, न्यूमेरिकल वाला इसका, कि अगर बॉडी T1 से T2 तक जाती हो, कि ऐसा हो, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम T1 टू T2, T टाइम, रुक जा मुझे लिख लेने दे, T
टी टाइम, और सराउंडिंग टेम्परेचर गिवेन है, सराउंडिंग टी नॉट है, तो उस समय अब बोलो आप सर इनिशियल टेम्परेचर टी वन माइनस फाइनल टेम्परेचर टी टू अपॉन टाइम इक्वल्स टू के ब्रैकेट टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर. वेरी गुड. तो ये हमारा इस पे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आते हैं. और अगर लेकिन इसका डिक्रीमेंट देखा जाए ना, तो वो लॉग लेकर के देखा जाता है डिक्रीमेंट. तो अपन का ऐसा कुछ आता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऐसे एक्सपोनेंशियली गिरता है, लेकिन कभी भी ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ना टी नॉट नहीं हो पाएगा. तो ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ कहां है तो वो देख लेते हैं अपन कहां है. ये एक बार कहीं पूछा हुआ था, चलिए. यस जैन बेटा, 86 वाला क्वेश्चन पढ़ना जरा. 86. यस सर. If a piece of metal is heated to a temperature theta and then allowed to cool in a room which is at temperature theta naught, the graph between the temperature T and the metal of the metal and time T will be closest to this. ऐसा क्यों? तो इसका भी आंसर ढूंढ लिया जाए. तो आपका आंसर तो पता चल गया होगा, सेकंड ऑप्शन होगा. यस सर. सेकंड ऑप्शन बहुत तुरंत ही अभी बताया, तो वो क्लियर है कि हाँ ऐसा ही होगा. देखिए ये रहा इसका ग्राफ ऐसा, फॉर न्यूमेरिकल फॉर्मूला और दिस लिमिटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की अलग कहानी. ये देखिए अगला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके की घटना है, यह अभी ग्राफ है. तो ये इसको होमवर्क दे देता हूं, आप कर सकें. देखना लॉग लेना है, लॉग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लॉग, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट लॉग लेना है. चलिए अब बात करते हैं भाई, और कौन है जो बात कर सकता है? नाम तो दिए हैं. मानसी है क्या क्लास में? नहीं है. मुबारका, मुबारका इनका ही माइक नहीं ऑन हो सकता. मेघा, मेघा क्वेश्चन पढ़ो बेटा. 88 नंबर वाला. A bucket full of hot water cools from 75 degree Celsius to 70 degree Celsius. In time from 70 degree to 65 degree Celsius in time T2 and from 65 degree Celsius to 60 degree Celsius in time T3. Then अब देखो हर में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, सेम 5-5 डिग्री गिरा है. अब आपको उन टाइम का रिलेशन बताना है, बताओ कौन सा होगा सही, कौन सा समय सबसे ज्यादा लगेगा, कौन सा समय सबसे ज्यादा. आप ही से बेटा मेघा, आप ही से आंसर की भी बात हो रही है. कैसे एक मैं चेक कर. इसको तो ऐसे ही बोलना है, जब सराउंडिंग टेम्परेचर भाई 75 से 70 होने में बहुत कम समय लगेगा, और सबसे ज्यादा समय 65 टू 60 होने में, यानी जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे कम लगेगा, यानी T3 सबसे बड़ा टाइम होगा, उसके बाद T2, उसके बाद, यानी आंसर इज थर्ड.
तो तू किसमें देख के किसमें बता रही थी? नहीं सर, मैंने सॉल्व किया और चेक कर ली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 मोहम्मद। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स इफ द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड अज्यूमिंग न्यूटन्स कूलिंग लॉ होल्ड्स गुड। एक मिनट मोहम्मद, जस्ट स्टॉप। ध्यान देना बेटा, ये न्यूटन्स लॉ होल्ड क्यों कहता है, क्योंकि जब न्यूटन ने अपना नियम दिया था ना, तो उन्होंने ये कहा था कि ये लॉ तभी तक वैलिड है जब तक डेल्टा टी इज लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। ये इसके लिए वैलिड है, यानी बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस 35 डिग्री से कम का हो तब। लेकिन अदर क्वेश्चंस के लिए ऐसा बोल देते हैं कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ होल्ड गुड, तब हम कहीं से कहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बेटा, नेक्स्ट। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स इज सेम, वही घटना है। यस सेम, वही घटना है 60 से 50 10 मिनट में। तो अब अगला 50 से 10 मिनट में, तो 40 तो नहीं होगी आंसर, 40 तो नहीं होगा, ये तो पक्का गलत बात। जो भी आंसर होगा वो 40 से ज्यादा ही होगा। क्यों? जो भी आंसर होगा वो 40 से ज्यादा है, यानी ये भी नहीं। तो दो आंसर गए, 3 और 4 गए। अब यही दोनों ऑप्शंस हैं। अब जरा न्यूमेरिकल लगा, चूंकि एक अगर होता तब तो मजा आ जाता, यहां दो हैं। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है मोहम्मद। फॉर्मूला इज सेम, 60 - 50 / 10 = K 60 + 50 / 2 - 25। के की वैल्यू पहले से निकालिए, के की वैल्यू निकालिए इससे, के की वैल्यू बता रहे हैं लोग 1/3 आ रहा है। क्या ये के की वैल्यू ठीक है? विवेक बता रहे हैं के की वैल्यू 1/3 आ रही है, सही है बेटा। मोहम्मद, विवेक लिखे 1/3, 1/30 आ रहा है। मोहम्मद कह रहे हैं 1/30 आ रहा है। तो देखो विवेक लग रहा है जीरो टाइप करना भूल गया, विवेक जीरो टाइप करना भूल गया, 1/3 आ रहा है। निश्रिन भी 1/30, विवेक 1/30 आ रहा है, विवेक का 1/3 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। खैर अब के की वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 1/30 आया है। तो अगला वाला 50 - t / 10 = K 1/30, और ये हो गया 50 + t / 2 - 25। ये सॉल्व करके टी बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व करके टी बताइए क्या आ रहा है, कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ रही है? अब या तो 45 आएगा या 42.85 आएगा। अब एक बच्चा बोल रहा था सर ये वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है, अपन को ये वाला आंसर सुंदर लग रहा है, इसी को रख लेंगे सर, 45 ठीक नहीं लग रहा है। विवेक ही बोल रहा था कि सर 42.85 ये सुंदर ज्यादा है। अब आंसर तुम लोग चेक कर दो क्या आया है। मोहम्मद भी बता रहा है सर कैलकुलेशन के बाद 42.85 ही आया है, तो यही आंसर होगा। तो विवेक को जो शुरू से सुंदर लग रहा था वही आंसर है भाई। ठीक है, देखिए ये तो कहानी इसकी है। दूसरा है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये बेसिकली स्पेक्ट्रल एनर्जी के लिए इन्होंने दिया था, स्पेक्ट्रल
एनर्जी के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इनका भी फॉर्मूला इसलिए मैं बता रहा है तो बड़ा आसान, लेकिन इनका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। जिस साल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं आता उस साल ये आते हैं, तो अपन इनसे भी एक मिनट रुकना बेटा, ये फाइल एक ओपन कर रहा हूं मैं। फाइव सेकेंड मोर। शायद ये नोट्स आप लोग पास है, सभी के पास ये नोट्स आप लोग पास है। चलिए निश्रिन माइक ऑन कीजिए बेटा, जरा ये बेटा पढ़ना ये क्या लिखा है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय एन बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। हाँ it shows that the amount of energy emitted by the object at all wavelengths it shows that acha dikhai nahi de raha tujhe abhi, dekh dikhai de raha फिर से पढ़ो यहाँ से। हॉट ऑब्जेक्ट शोज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द ऑब्जेक्ट एट ऑल वेवलेंथ वेरीज विद टेम्परेचर। हॉट ऑब्जेक्ट एमिट मोर लाइट देन शॉर्ट वेवलेंथ दैन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यानी हॉटर ऑब्जेक्ट जो होंगे इमिट मोर लाइट इन शॉर्ट वेवलेंथ देन कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी जैसे जैसे ऐसा अगर वीन ने क्या किया ना, एसईडी ड्रॉ किया स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अब जैसे इन्होंने ड्रॉ किया तो इन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट ये एक T1 टेम्परेचर पर इन्होंने वेवलेंथ का देखा, तो यहां पर मिला लेमडा, यहां पर इस पे मैक्सिमम मिला इस पे वन पे। लेकिन अब बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो इन्होंने देखा रे वेवलेंथ, अब वो कम वेवलेंथ की ज्यादा लाइट दे रहा है, यानी ये T2 टेम्परेचर है, तो अब ये आ गया लेमडा M2। फिर इन्होंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो देखा ये वेवलेंथ और कम आ गई, यानी जो पीक पे मिली वो और कम थी, ये ऐसा मिला लेमडा M3 और ये था T3 और T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। यानी जैसे जैसे हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं शॉर्टर वेवलेंथ
हमारे पास मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए एक मेटल पीस दिया जाए, आप उसे गर्म करें, क्या होगा? सबसे पहले रेड, सबसे पहले रेड आएगा, आएगा तो उसके साथ और भी कलर, लेकिन जो ओवरकम में दिखाई देगा, जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी जिसकी, वो कौन होगा? वो होगा रेड। फिर थोड़ा और गर्म करो तो आप देखोगे हो जाएगा ऑरेंज, यानी वेवलेंथ थोड़ी कम। ऑरेंज का मतलब क्या हुआ? कौन कौन से कलर मिलके ऑरेंज बनते हैं? थोड़ा येलो मिला दिया जाए रेड में, पीला कलर, ऑरेंज। हाँ, यानी अब येलो वाली थोड़ा और गर्म की तो हमें दिखाई दिया है येलो कलर आ रहा है इसमें, और गर्म की जब अपनी सारी वेवलेंथ निकाल देगा तो व्हाइट दिखाई देता है। तो अगर कोई रेड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो हॉट है, और अगर कोई स्टार ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो उससे ज्यादा हॉटर है। सन किस कलर का दिखाई देता है? व्हाइट, सुपर हॉट है ना। अच्छा, सुबह शाम में वो वेवलेंथ का है, मतलब सारी लाइट देता है ना। वैसे सन क्या है? ब्लैक बॉडी। सन इज अ ब्लैक बॉडी, सन एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का फंडा क्या है? और तुम लोगों को भी रहना चाहिए बी लाइक अ ब्लैक बॉडी, कि जब हम रिसीविंग मोड में हो तो हर चीज को रिसीव करें। ब्लैक बॉडी यही होती है, यानी जो मिला सब एब्जॉर्ब। और जब हम डिलीवरी मोड में हो, डिलीवरी करते हो, तो उस समय हम सब कुछ डिलीवर करते, जस्ट लाइक कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का यही। जानते हो ब्लैक बॉडी का हिंदी नाम है कृष्णिका, ब्लैक बॉडी इज नोन एज कृष्णिका। हम लोगों ने ब्लैक बॉडी जो बनाई हुई है, जैसे एक तो नॉर्मल आप काजल देखते होगे, जो काला है, काजल, नॉर्मल ब्लैक बोलते हैं काजल। काजल जो होता है लगभग 70-80% ब्लैक होता है, लेकिन अगर प्लेटिनम को जलाओगे तो मिलेगा प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक लगभग 92-93% ब्लैक है। फिर लैब में ब्लैक बनाए गए, जिसमें वो फेरी ब्लैक, फेरी ने एक ब्लैक बॉडी बनाई जो हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके एट लोअर टेम्परेचर, तो वो लगभग 97-98%। और ब्लैक बॉडी का हिंदी नाम है कृष्णिका, और लॉर्ड कृष्णा का भी नाम कृष्ण, तो उनका नाम इसीलिए कृष्ण है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में टिल डेट कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो दैट इज लॉर्ड कृष्णा, उनसे ज्यादा ब्लैक कुछ नहीं। तो वो जब रिसीव करते थे तो 100% रिसीव, और जब इमिट करते थे तो 100% इमिशन। अब इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मतलब उनकी जो भी स्टोरीज हैं उनमें एग्जाम्पल हैं, कि जब उन्हें सुदामा से छीनने की बारी आई तो उन्होंने सब कुछ छीन लिया, प्योर दरिद्र बना दिया, मतलब एक गलती उनकी सब कुछ छीन लिया। और जब देने पे आए तो पता चला तीनों लोक दे दिया, लो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी, ये सारा ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज दैट ऑल फ्रॉम ब्लैक बॉडी। तो कृष्णिका का नाम कृष्ण 100% ब्लैक। अब कई लोगों ने उनकी फोटो देखी होगी, जो खाटू महाराज हैं, उनकी केवल आंखें दिखाई देती हैं, पूरे वो ब्लैक हैं, ऐसा बोला जाता है। लॉर्ड कृष्णा, जैसे लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर बहुत ज्यादा थे, रीजन भाई एक काम, जैसे मान लो कि आप किसी को जानने के लिए एक मैसेज देते हो, जैसे कोई सर मिले पहले दिन आए, हेलो सर, अगर वो सर भी आपको हेलो बोल दें, बड़े अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छे हैं ये, किसी सर से आप मुलाकात की, हेलो, हाँ चलो अपना काम करो, बड़ा यार बहुत खड़ूस आदमी है,
यानी आप एक सिग्नल भेजते हो अपने पास से, वो सिग्नल आपके पास रिसीविंग कैसे हो रहा है उससे आप बंदे को एसेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने सिग्नल भेजा किसी को, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या वो हम बोल देते हैं जवाब नहीं दिया एटीट्यूड में। एक्चुअली आपको समझ नहीं है तब आपने बोल दिया यार बड़ा एटीट्यूड है इनको। आपने सिग्नल भेजा एब्जॉर्ब। तो लॉर्ड कृष्णा के साथ यही था, उनकी गोपी और गोपाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। रीजन, उनको समझने के लिए लोग जो भी सिग्नल भेजते थे वापस भेजना नहीं है, सब रिसीव। सामने वाला समझो जो समझना है, अच्छा समझो बुरा समझो जो मर्जी वो समझो। तो ये लॉर्ड कृष्णा की क्वालिटी थी। अरे अब भावनाओं को समझो। यशराज कह रहा है कि सर गोपा नहीं ग्वाले। बेटा ये जो ये देखता है फॉरेन कंट्री में लोग लॉर्ड कृष्णा के नाम से रोड पे नाचते नजर आते हो, ग्वाले हैं बता यशराज, वो ग्वाले हैं क्या? ओ दैट इज कॉल्ड गोपा, गोपा हैं लोग। अब तुम इसमें समझोगे गोपियां। अब मैं अगर बोल देता देखो सारी गोपियां हैं, एक पर्सन एक्स भी गोपियां हैं, सर गोपियां फॉर फीमेल सेक्स, गोपियां फॉर फॉलोअर जो उनकी बातों को मानते हैं। मतलब उनके देखो कैसे इंसान थे कि भाई को भाई से लड़ा दिया, अर्जुन और वो दुर्योधन भाई भाई थे। तुम लोग को भी मैं बोलूं कि बेटा अपने भाई थप्पड़ मार दिया, हैं भाई को थप्पड़ मार दूं ऐसे कहते, खुद मार देंगे चलेगा लेकिन आपके कहने पे तो नहीं मारेंगे, खुद हम पीट देंगे और चलेगा लेकिन आपके कहने पे तुरंत हम एक, तुरंत एक। और वो ऐसे इंसान थे, देखो उनकी बात में कितनी पावर होगी, मतलब ग्रेट टीचर, उनसे बड़ा टीचर कोई पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने देखो क्या स्पीच दी, और उनके कहने पे लोग, मैं कह दूं कि बेटा एक काम कर ये वाला होमवर्क कर दे, हाँ एग्जाम चल रहा है होमवर्क कर दे, बेटा कल क्लास आना जरूरी है। वहां लोग नाच रहे हैं, कृष्ण को कोई मतलब ही नहीं है, नाचे जा रहे हैं उनके चारों ओर लोग। आज भी देख लो, मैं तो उनको मतलब जो भी सुपर नेचुरल पावर या एनर्जी होती है ना, उनकी एनर्जी सही थी, परफेक्ट एनर्जी। और परफेक्ट एनर्जी किसमें? ब्लैक बॉडी। तो भैया जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, कम वेवलेंथ वाला ज्यादा निकलेगा। यानी कहने का मतलब है ये जो लेमडा एम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यानी आएगा लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी, या लेमडा एम वन टी वन इक्वल टू लेमडा एम टू टी टू। ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है? तो जो जितना बेहतरीन एब्जॉर्ब करेगा वो समय आने पर उतना बेहतरीन इमिट करेगा। एब्जॉर्ब करते समय आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब आप किसी से शिक्षा ग्रहण करो तो थोड़ा कूल रहो, और जब आप शिक्षा दो तो लिटिल बिट उससे अपर क्लास में हीट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। योर एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर। अब आओ मैं आऊ पढ़ाने के लिए, हाँ बेटा देखो तो लगे अरे अरे क्या हम लोगों को एनर्जी ट्रांसफर, इनकी खुद एनर्जी गायब है। और तो टीचर की एनर्जी का राज समझ में आया कि इतना टीचर क्यों इतना एनर्जेटिक होता है, बिकॉज उसको इमिट करना होता है, इमिटर है वो। और लेकिन जब मैं अब्जॉर्बिंग मोड में आता हूं, जैसे यहीं पे जो लोग ऑफलाइन में है वो कहते हैं सर आप ब्रेक में बदल जाते हो, है ना, ब्रेक में बदल जाते हो। सर ब्रेक में आप बोलते ही नहीं हो, हम लोग बोलते भी हैं तो आप बोलते ही नहीं हो। मैं बेटा दैट टाइम आई एम एट रिसीवर एंड, मैं रिसीव करता हूँ सराउंडिंग की चीजें। तो तुम लोग में से तो कोई ऑफलाइन अभी आया नहीं तो देख नहीं पाया होगा कि ब्रेक टाइम में मतलब अमर सर कैसे हैं बाकी, ठीक है? तो ये बेटा ये अब इसमें जो बी है, बी बी इज वीन्स कॉन्स्टेंट। निश्रीन जरा बी की वैल्यू बताना बेटा, नकल मार के बता निश्रीन, बी की वैल्यू कितनी है?
2.88 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 तो याद कर लेगी इसको. यस सर. गुड. और इसका इसका अगर बेटा मैं पूछ लूं कि बी का यूनिट बता दे तो बी इक्वल टू मीटर इनटू केल्विन एमके. नहीं एमके, हाँ. और इसका डायमेंशन भी पूछ लूं तो बता ही देगी सर एल थीटा. देखो कितने हाँ. चीजें आसान है. तो इसका ये बीन्स कांस्टेंट की कभी कभी वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी डायमेंशन पूछ लेते हैं, कभी यूनिट पूछ लेते हैं, कभी इस न्यूमेरिकल पे फॉर्मूला पूछ लेते हैं. कर लेंगे क्या आप लोग? तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको एक बार ये जो एसईडी लिखा गया है ना, इसको एक बार बेटा बुक से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में भी मैंने दिया है, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा. ठीक है. तो ये हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं. यशराज क्या क्या हुआ हम लोगों का भैया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में? कैलोरीमेट्री किया था पहले. उसके बाद हीट ट्रांसफर. हाँ, कैलोरीमेट्री में दो हेडिंग थे, एक था दो टाइप थे. हाँ, एक मिक्सचर टेम्परेचर. हाँ, मिक्सचर टेम्परेचर था एक. हाँ, एक मिक्सचर टेम्परेचर. और एक हम लोगों का था लेटेंट हीट और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन. ठीक है. दूसरा हम लोग हीट कंडक्शन किए हैं और फिर यहाँ है रेडिएशन. कन्वेक्शन वाले से थोड़ा बहुत जो डेंसिटी का रिलेशन है वो आता है, वो कर लेंगे. मतलब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा. अब देखिए दूसरा लिखा गया था आज का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 3. ठीक है, अब मैं ये लेके जा रहा हूं, इसको पढ़ाऊंगा. तो अब अपन देखते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स. सर एक चीज पूछूं क्या? नहीं, पहले मैं लिख लूं. हाँ आप पूछो. सर अगर यहाँ फिजिक्स से कंप्लीट कर लूं थर्मोडायनेमिक्स तो केमिस्ट्री वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मतलब देखिए अगर आपका मतलब ओपन माइंडेड होके सोचे ना तो दोनों चीजें एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है. समझ में? सर बस साइन कन्वेक्शन का वो मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों. अगर मैं बता दूंगा उसके बाद आपसे ये गलती नहीं होगी. लेकिन एक चीज है, केमिस्ट्री में मेनली फोकस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, हम लोगों का मेनली फोकस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे है. तो आपको फर्स्ट, उनका फर्स्ट सेकेंड दोनों है, लेकिन फर्स्ट वो कम, सेकेंड इंथैल्पी पे ज्यादा बात करते हैं, एंट्रोपी पे ज्यादा बात करते हैं वहां. तो वो थोड़ा सा वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना? Okay. लेकिन हाँ, फिजिक्स में अगर ये पढ़ते तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहीं से आएगी आप कर लेंगे. ओके सर, थैंक यू. अब देखिए यहां पर थर्मोडायनेमिक्स. हाँ, जो लोग पूछ रहे हैं इसकी नोट्स दूसरी है क्या, तो क्या मुझे भेज के तब मैं आपको पढ़ाऊं या पढ़ा लूं तब भेजूं? हे, मिल गई. हैं? मिल गई थर्मोडायनेमिक्स मिल गया? हाँ. ऐसा कैसे, जब मैंने भेजा ही नहीं तुम्हें? मिला पहले दी थी आपने. अच्छा, पहले मैंने दे भेज दी है. हाँ. अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स भेजा हुआ है, कहोगे दोबारा भेज दूंगा मैं, भेज ही देता हूं. MEVOL भेज दी दोबारा. ये है सत्यमेव जयते 2, पहली वाली थी सत्यमेव जयते 1, अभी भेजी सत्यमेव जयते 2. अब एमईवी वालों को भी भेजनी पड़ेगी. चलिए तो थोड़ा यहां अपन बात करते हैं भाई. थर्मोडायनेमिक्स में बात होती है एक सिस्टम की. तो केमिस्ट्री में आप लोगों का हो चुका है क्या थर्मोडायनेमिक्स? क्यों भैया केमिस्ट्री में अभी नहीं हुआ है? अच्छा, नहीं हुआ है, चलिए तो ठीक है. तो देखिए हम बात करते हैं सिस्टम, किसे कहते हैं सिस्टम, तो सिस्टम कौन है?
तो सिस्टम हम उसे कह सकते हैं सिस्टम जिसका हम पाकिस्तान टीवी बता सके ना ना, ऐसा सिस्टम माना जाएगा जिसका प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बता दीजिए ये नोन हो, इसी को अपन बोलते हैं सिस्टम। यानी ये जो रूम में मैं खड़ा हूं, अगर मैं इसका टेम्परेचर बता दूं, कैसे बताऊंगा टेम्परेचर, तो लगाऊंगा थर्मामीटर तो टेम्परेचर, इसका प्रेशर बता दूं कैसे बताऊंगा बैरोमीटर, जीपीएम में हम पढ़ते हैं, बैरोमीटर लगा दूं तो मैं बता दूंगा कि इस रूम का कितना प्रेशर है, और इसका डायमेंशन मेजर कर लूं तो वो वॉल्यूम बता सकता हूं। तो ये तीन चीजें अगर मैं बता दूं तो दिस इज नोन एज अ सिस्टम, तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ये कहलाएगा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। सर हाँ सर, फिर यूनिवर्स सिस्टम नहीं हुआ ना? अभी मैंने यूनिवर्स की बात कहां की, तो सिस्टम बोला जाता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच या फॉर विच वी कैन डिफाइन प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो पूरे यूनिवर्स का आप बता नहीं सकते हो, लेकिन मैं इस रूम का बता सकता हूं, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। यूनिवर्स डिफरेंट है, यूनिवर्स सिस्टम नहीं है। तो मैंने सिस्टम के लिए लिखा पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स फॉर विच वी कैन डिफाइन P, T एंड V, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम कहलाता है, कॉल्ड कॉल्ड सिस्टम। तो ये कहलाता है ये यूनिवर्स का एक पार्ट। जैसे मैं पूरे यूनिवर्स को छोड़ दो, ये रूम में हूं, दिस इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम फॉर मी इफ I can explain, I can define, I can assess, I can measure pressure, temperature and volume. यही तीन चीज, बस यही तीन चीज अगर बता सकते हैं तो thermodynamical system है। ठीक है, ये system है। अब हम लोग system मानेंगे कैसे, तो हम लोग मानते हैं in lab an ideal gas filled in cylinder, ये है आइडियल गैस। अब गैस है तो नहीं दिखाई देगी ना, आइडियल गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन इज नोन एज, इज एज्यूम्ड एज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स फॉर विच वी कैन डिफाइन प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कॉल्ड सिस्टम। इन लैब एन आइडियल गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर fitted with a piston is called, is assumed as system. Clear है बेटा ये? तो surrounding क्या होगा? अब ये अगर system हो गया तो surrounding, surrounding क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? Very good. Universe minus system is known as surrounding. मैं इससे, ये NCERT में लिखा है, except system, entire universe is known as surrounding. नहीं ना बेटा, surrounding वो होगा जो हमारे system को influence कर सके। Part of universe which can influence, अब जैसे सपोज करो कश्मीर में बर्फ गिर गई और मेरे रूम का टेम्परेचर बदल जाए, तो कश्मीर इज सराउंडिंग फॉर मी,
कश्मीर सराउंडिंग है मेरे लिए, लेकिन अभी अफगानिस्तान में बम का एक्सप्लोजन हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सराउंडिंग नहीं है। तो हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम विच कैन इन्फ्लुएंस आवर सिस्टम। हमें जो इन्फ्लुएंस कर लेगा हम उसे सिस्टम मानेंगे, जो इन्फ्लुएंस ना करे वो सिस्टम कैसा है कि नहीं भाई, जो हमें इन्फ्लुएंस कर दे। जैसे अभी आप जानते हैं एलन, आप सभी यू ऑल आर पार्ट ऑफ एलन, स्टूडेंट ऑफ एलन, लेकिन आप एलन किसको जानते हैं कि अमर ज्योति इज एलन, योर अदर टीचर्स आर एलन, आप इन्हीं चार पांच सात टीचरों के नाम जानते हैं, यही यही आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यही आपके लिए एलन है, यानी यही आपके लिए सराउंडिंग है। आपको दूसरे से क्या मतलब है, आपको ये इन्फ्लुएंस आपको अच्छा पढ़ाते आपको बुरा पढ़ाते यही आपके लिए सराउंडिंग है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर सके वही आपके लिए एलन है। इसीलिए हम मतलब हम लोग मानते भी हैं कि हम एलन है, भाई पूरे एलन तो हम नहीं ना है, लेकिन मैं अपने बैच को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो आई एम एलन। और मैं बोलता भी हूं कि मैं एलन हूं, क्यों, क्योंकि मैं अपने जो भी मेरे लिए सिस्टम है आई कैन इन्फ्लुएंस मेरे। अब भाई एलन में पढ़ते हैं 2-2.5 लाख बच्चे, क्या मेरे लिए सारे के सारे सराउंडिंग हुए क्या? मेरे बच्चों के टेस्ट में कैसे मार्क्स आते हैं, अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, वो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, तो वो मेरे लिए सराउंडिंग है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया मैं अपने बच्चों, जैसे कई बार मुझसे कोई कहता था, मतलब जैसे मैं यहां जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो मैं नॉर्मली ऐसा अपने बच्चों से डाउट बताता रह जाता हूं, ऐसे ऐसे डाउट मुझसे पूछे जाते हैं कि मुझे लगता ही है कि मेरा नाम ही डाउट है, क्योंकि मुझे मिलते हैं सब हेलो थोड़ी ना करते हैं, जैसे मैं सीढ़ी चढ़ता हूं सब मिले, नॉर्मली होता है सर नमस्ते, हेलो सर, सब बोलते हैं सर डाउट, इतना डाउट बोलते हैं मुझे लगता है मेरा नाम ही डाउट है। या हो सकता है हेलो फोन पे भी ये नहीं हेलो नहीं बोलेंगे, सर डाउट, नो हेलो, नो जय श्री कृष्णा, नो सलाम वालेकुम, कुछ नहीं, सीधा अपन के पास फोन भी ऐसे ही आते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जब कोई बच्चा दूसरी क्लासरूम का आता है मुझसे कहता है सर आप मुझे डाउट, ऐसा हुआ एक बार घटना कि कुछ बच्चे आए, अच्छा मैं फ्री रहता तो जरूर बता देता, मैं 5-7 बच्चों के साथ घिरा हुआ था, डाउट ही बता रहा था मैं, 2-3 बच्चे और आए, सर ये डाउट बता देंगे, मैंने कहा नहीं, उनको बड़ा धक्का लगा। नॉर्मली कोई टीचर एलन में ऐसा बोलता नहीं है और मैं भी नहीं बोलता, लेकिन अब उस समय ऑलरेडी मैं डाउट बता रहा हूं, एक सर्टेन फेज में हूं, अब उन बच्चों को पता नहीं क्या लगा, सर आप ये डाउट बता दें, मैंने कहा नहीं, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर, मैंने कहा नहीं भैया, हाउ आई कैन इन्फ्लुएंस देम, जब ऑलरेडी मैं एक सिस्टम के साथ वर्कआउट कर रहा हूं तो मैं कैसे दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करूंगा, मैं मना कर देता सॉरी। तो इसीलिए मैं बहुत ही भावुक रहता हूं इस मामले में। तो सिस्टम और सराउंडिंग समझ गए भैया, तो एनसीईआरटी में लिखा है यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू सराउंडिंग, गलत है। क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन इन्फ्लुएंस आवर सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। क्लियर है डिफिनीशन सराउंडिंग की? गौरी दीदी सराउंडिंग की डिफिनीशन क्लियर? यस सर। चलिए तो ये हमारा सिस्टम और सराउंडिंग है। अब वही, अब आपको जब मैं ऐसा बनाऊं बेटा सिस्टम, तो आपके माइंड में तो चले ये कि एन आइडियल गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ पिस्टन इज नोन एज सिस्टम। अब मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए निसरीन दीदी सिस्टम है, निसरीन दीदी माइक ऑन कीजिए,
मैंने मान लिया गया कि एक पर्टिकुलर वर्क होने जा रहा है जिसके लिए निश्चित दीदी सिस्टम है। अब इस सिस्टम को हीट एनर्जी दी गई, अब ऐसा तो होगा नहीं, मतलब अगर निश्रिन दीदी सिस्टम है तो मैंने निश्रिन दीदी को 100 रुपए दिए, निश्रिन दीदी सिस्टम उनको दिए गए 100। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपने पूरे पैसे उठा के दे दूंगा, क्यों निश्रिन? क्यों बे? हाँ ना बोलो। नो सर। हाँ तो मैंने अपने पैसों में से कुछ पैसे दिए, मैंने 100 रुपए तुझे दे दिए, होगा क्या? होगा क्या? मैं लेके रख लूंगी। अच्छा नहीं, अगर तुझे कोई काम नहीं है क्या? मैं लेके रख लूंगी। उस पैसे का कोई काम है तुझे? मैं कुछ नहीं लूंगी। क्या ले लेगी भाई बता, मतलब मान ले कि तुझे कुछ लेना है सामान, क्या लेना है? अभी तुझे तुरंत क्या समझ में आता है? चॉकलेट। चॉकलेट कितने का? 100। और थोड़ा दांत खराब हो जाएंगे तेरे, 100 के 100 का चॉकलेट खा जाएगी। चल मान ले तो जैसे इस सिस्टम को हीट एनर्जी मिली, सिस्टम किया कुछ काम, वर्क डन, सिस्टम ने किया वर्क डन, और ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सारा 100 का 100 रुपए का काम करके, ऐसा हो सकता है ना, वो अलग अलग प्रोसेसेस में डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इनमें से अगर बच गया, इन्होंने मान लो कि 20 रुपए की चॉकलेट खा ली, तभी कितने बचे हैं तेरे पास निश्रीन? 80 रुपीज। क्या करेगी? रख लेगी। 80 रुपीज रख लेगी तो इसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी, जैसे दही पैसा अगर आपके पास हो तो चेहरे पे वैसे स्माइल और कॉन्फिडेंस रहता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी हुई, तो ये बाकी का इंटरनल एनर्जी का चेंज, इंटरनल एनर्जी का चेंज DU और डेल्टा U दोनों में से जो लिख लो, ऐसा होगा। अगर किसी भी सिस्टम को हीट एनर्जी मिलती है तो वो सबसे पहले काम करता है, काम होने के बाद एनर्जी बची उसे इंटरनल एनर्जी फॉर्म में स्टोर कर लिया। इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम के पास स्माइल है, इंटरनल एनर्जी गई, सिस्टम गया। अब जो एनर्जी दी गई, तो भाई ये अगर मैं कहूं कि डेल्टा क्यू दिया गया, तीनों ने किया क्या काम, और जो बचा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रख लिया, तो क्या यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि नहीं? यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे डेली लाइफ में चल रही है कि नहीं चल रही है? भाई मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई, आपने लिया, उससे नीट का एग्जाम की दिया। अब भाई आप सोच रहे हो मैं पूरा जितना जानता हूं उतना नहीं पढ़ा पा रहा, विद इन द बाउंड्री ऑफ नीट। अब उस नीट जितना मैंने पढ़ाया उससे आपको आएंगे 45 क्वेश्चन, आपने वो 45 क्वेश्चन मतलब 45 टॉपिक पे बेस्ड आएंगे, 45 टॉपिक की, और लगभग अगर आप टॉपिक वाइज गिन लो तो अभी तक हम लोगों ने 100-150 टॉपिक तो पढ़े ही होंगे, छोटे 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 करके, कई चीज एग्जाम नहीं पूछेगी, तो बाकी क्या करोगे? रख लोगे, हमें यह भी आता है, दूसरा कोई एग्जाम दिया तो हो सकता है वहां जरूरत पड़े, नहीं तो नाती पोता, नहीं तो नाती पोता के पास। अब अगर आपको पता चल जाए, हम निश्रिन कह रही हम भूल जाएंगे, अरे पता नहीं कैसे, मैं तो भूला नहीं, मतलब ये सब बोलना ना, ये सब अपनी अपनी कमियों को छुपाने के, मतलब जैसे हम भूल जाएं, पढ़े ही नहीं तो भूल ही जाएंगे। कौन ABCD भूल गया है? कौन ABCD भूल गया? कौन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भूल गया? कारण क्या है ना, जैसे जैसे बड़े हुए हो दोनों को आदत हो गई है चीजों को दूर करने की। बचपन वाला जो था ना, अब वो कहोगे बचपन का सर सिलेबस जो था बहुत कम था तो हम याद करें, नहीं तो आप भी बहुत छोटे थे, नहीं
आज सोचो जब बोलना नहीं जानते थे तो ट्विंकल ट्विंकल याद किया आपने, जब आपको बहुत सारे काम थे पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो इतना करते थे, अदर काम इतना करते थे, उस समय जो आप पढ़े हो नहीं भूले हो, तो आज भी जो पढ़े हो वो नहीं भूलोगे। तो मैं ऑर्डर हो सकता है इधर का उधर हो जाए, बट याद तो रहता ही है। देख ही लो तुम्हारे कौन सा टीचर भूल जाता है भाई। तो बार-बार रिवीजन होता है। किसका रिवीजन होता है? तो याद रहता है। किस कौन बार बार रिवीजन करता है? सर टीचर्स का पढ़ाते। मेरा कभी ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाते हैं तो रिवीजन नहीं, तो मेरा ऐसा लगता है क्या, मेरी अभी आपके सामने नोट्स पड़ी है, आप देख लो क्या मैं वही पढ़ा रहा हूँ क्या? सर अलग हो जाता है, सिंबल अलग हो जाते हैं, कई बार कुछ अलग हो जाता है, कहाँ याद है? आप नोट्स देख लो, ऑर्डर बदल जाएगा, एग्जाम्पल बदल जाते हैं। समझे? चलिए तो फिलहाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा बेटा, पूरा फिजिक्स का जो तीन क्वेश्चन आने वाला इसी पे बेस्ड है, देख लो इसी को, इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू। बस अगर ये तीनों चीजों के बारे में आप नॉलेज रख लेते हो, ये मेरी गारंटी है तीनों क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मिनिमम दो तो आते ही आते हैं, तीन भी, अगर छह आएंगे तो तीन इसी से आते हैं, केवल एक हो गया थर्मोडायनेमिक्स खत्म है। अब हम इन्हीं तीनों टर्म पे जाते हैं भाई। तो पहला इसमें टर्म क्या था? हीट एनर्जी। तो अभी आपको याद होगा मैंने आप लोगों को हीट एनर्जी के बारे में बताया है, हीट एनर्जी के बारे में बताया है, ठीक है? हीट एनर्जी बेटा, कर्नाट इंजन बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई विल प्रूफ, समझा? कर्नाट इंजन को लेके ही मैंने तीन क्वेश्चन बोले। चलिए यशराज, हीट के बारे में जो जानते हैं जरा वो बताइए। सर हीट दो टाइप की पड़ी थी अपन ने, एक स्पेसिफिक हीट और एक लेटेंट हीट। तो यहाँ पर भैया स्पेसिफिक हीट किस काम में आती है? सर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टेट चेंज। मुक्का खाएगा तू? नहीं 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 नहीं, ये भी बनाओ बेटा, मैंने बोला था केक खाना बस। सर कांस्टेंट स्टेट एंड टेम्परेचर चेंज। यस जैन, इसको समझाया नहीं था क्या तूने? हैं फोन करके बोलना था ना। क्या समझाना था सर? अरे ये देख क्या कर रहा है, मतलब मैंने कहा था सिर्फ केक अलाउड है, तो ये केक अलाउड है तो तुझे मतलब अब क्या बोलूं मैं, छोड़। अच्छा विवेक कह रहा है यस जैन, यस यशराज, दोनों साथ साथ नाली में गिरे थे। ओहो दोनों यश ने एक साथ। यशवा कह रहा है सर मैं ही तो उठा के लाया था उन सबों को। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट का काम होता है स्टेट ना बदले चेंज। अब जरा यहां ध्यान दो, पहले आता है सॉलिड, सॉलिड को अगर मैंने हीट एनर्जी दी तो इट कैन चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड को हीट एनर्जी दी इट कैन चेंज इनटू गैस। ऑलरेडी हम थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? गैस। अब ऐसा थोड़ी ना कि सॉलिड लिक्विड में बदला, लिक्विड गैस में, गैस भैंस में, ऐसा होगा क्या? अब कहां जाएं? यानी यहां पर लेटेंट हीट नहीं आएगा, इस पूरे टॉपिक में लेटेंट हीट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई सबको? यशराज यहां पर स्टेट चेंज नहीं करना है, क्लियर है? यानी यहां पर आएगी स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट जो होती है डी क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डी थीटा, ये तो यार सॉलिड और लिक्विड के लिए था, गैस के लिए
डी क्यू इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ मोल म्यू सी डी टी डी थीटा। और सी जो है ये दो तरह की होती है, ऐसा पाया गया कि एक होता है सीपी और एक होता है सीवी, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। आगे देखेंगे क्यों ऐसा होता है, फिलहाल ये है। कोई भी प्रोसेस हो, इन एनी प्रोसेस तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस, यहां पर बात करते हैं हम प्रोसेस की। तो जैसे अगर हम बात करें प्रोसेस आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में डी क्यू की वैल्यू होगी म्यू सीपी डी टी। यहां टेम्परेचर चेंज डी टी लिया जा रहा है, डी थीटा की जगह डी थीटा या और डी टी। दूसरा आइसोचोरिक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है आइसोचोरिक प्रोसेस। कई लोगों लगाओ सर आइसोचोरिक क्यों बोल रहे हैं, ये तो आइसोकोरिक होता है सर आइसो। अब कई लोग लगा यार सर आपने आइसोचोरिक क्यों बोला, ये तो आइसोकोरिक है। अच्छा सर यूपी वाले हैं तो आप प्रोनाउंसिएशन में ऐसा आ सकता है कि वो चोरी किया, बताया ही नहीं होगा। अब हो जाता है ना कई बार जोन डिपेंडेंट टोन होती है। लेकिन तुम्हें लगता है कि मतलब मैं फिजिक्स में ऐसा करूंगा? अब भैया यहां आइसोचोरिक की बात हुई है तो कुछ तो चोरी होगा है। अब जिन बच्चों को मुझ पे पूरा फेथ है वो जान रहे होंगे कि इन्होंने अगर आइसोचोरिक बोला है तो पक्का कुछ तो चोरी हुआ होगा इस प्रोसेस में। तो बाद में देखेंगे और इस प्रोसेस में वर्कडन ही नहीं होता, काम ही चोरी हो गया। यानी हीट एनर्जी दी गई सबका सब इंटरनल एनर्जी में, काम की चोरी हुई है, वर्कडन चोरी हो गया। यानी एक टर्म डी डब्ल्यू चोरी, इसीलिए मैंने बोला था। तो यहां पर डी क्यू इक्वल टू होगा म्यू सीवी डी टी और यहां का डी डब्ल्यू जीरो होता है। नहीं नहीं ये काम चोर नहीं है बेटा, इसका काम इतना बेहतरीन है ना कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, करता भी है पता भी नहीं चलता। आई विल दिखाऊंगा मैं आपको, आई विल मेक इट सी कि आएगा ये, देखना कितना बेहतरीन। फिर आइसो थर्मल, आइसो थर्मल प्रोसेस। तो यहां के लिए अगर आप सी देखना चाहोगे तो यहां का डी टी जीरो होता है। आइसो थर्मल मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो सीवी की वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट हो जाती है। सॉरी सी की वैल्यू सी टी इक्वल टू इनफाइनाइट। और एक और प्रोसेस है, एक और प्रोसेस है, कौन सा? एडियाबेटिक। एक प्रोसेस है एडियाबेटिक, इसमें डी क्यू जीरो होता है तो यहां का सी क्यू जीरो होता है। समझे? जैसे अगर इसकी बात करोगे अब ना समझ थोड़ा, तो आगे आएगा तो इसको डिटेल में मैं बताऊंगा। ये है हीट एनर्जी। अब बेटा इसके बारे में मैंने एक 33 पेजेज भी दिए होंगे, दिए हैं मैंने थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 33 पेजेज ऐसे दिए हैं क्या? यशराज गौरी, नहीं नहीं नोट्स नहीं, नोट्स नहीं, एक किताब है, एक बुक है जो 33 पेजेज की है।
नहीं दी है, ऐसा वैसे हुआ नहीं होगा, बट अब बेटा बता दूं आपको, खुल जा अब जो लोग एक मिनट वेट करेंगे मैं वो बुक दिखा रहा हूं, बुक भेजा भी है मैंने। अरे यार जानते हो वो जो बुकलेट है उसी से आपको वो तीनों क्वेश्चन मिलेंगे, समझ में आया? अगर आप उस 33 पेजेज को पढ़ लेते हैं, 33 में से पढ़ने 15 हैं, हैं अनुष्का 15 पेज पढ़ सकते हैं, अनुष्का 15 पेज पढ़ सकते, कह रहे हाँ, मतलब हाँ 12 नंबर काम हो जाएगा, कह रहे सर जल्दी भेजो ऐसे नोट्स कहाँ हैं, पूरे इस 33 पेजों को घोल के पी जाना है, मतलब तीन क्वेश्चन आपको, अगर थर्मोडायनेमिक से तीन आते हैं तो तीन, दो आते हैं तो दो, इन्हीं से, और विल प्रूवन है, मतलब देखते हैं, अभी दिखा भी रहा हूं मैं, कई बार ब्लूटूथ भावुक हो जाता है ना तो नहीं भेजता यार ये। आर हाँ फॉर्मेट पे थी ये खुल नहीं रही है, खुली नहीं क्या ये? नो सर, मेरे में भी लग रहा है खुलेगी नहीं। हाँ सर वो फॉर्मेट पता नहीं कौन सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे वो रीनेम करना पड़ेगा। अरे अच्छा, किसी से खुला ही नहीं, यहां भी लग रहा है खुलेगा नहीं, मैं दोबारा पीडीएफ करके भेज रहा हूं, और कई बार भावुक हो जाता है तो अपना खुद का फॉर्मेट बना लेता है, इजी कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब देखो नहीं नहीं अब खुलेगा, अब जो दोबारा मैंने भेजा है ना वो बेटा ओपन होगा पक्का। एक्चुअली डॉट पीडीएफ है, अब देख हैं, यस यशराज, यस जैन, निश्रीन, हो गया ना? एक मिनट, डाउनलोड हो गया सर, अब खुलेगा, अब खुलेगा। मैं भी यहाँ पे ये देखो, अब यही पता चल जा रहा है ये इसी नाम से आएगा, एक्चुअली वो डॉट पीडीएफ लगना भूल गया था इसलिए ऐसा है। अब पहले बता दूं, कई लोग अभी आज बुक मिली और आज ही पढ़ के मोह माया मुक्त हो जाएंगे, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये क्या है, ऐसा तो अपन पिछले साल कुछ नाम ही नहीं आया था। तो मैं बता दूं करना क्या है भैया, हर बुक को पढ़ने का एक मेथड होता है, यानी सब चीज पढ़ लेंगे, देखिए यही ओपन हुई होगी आपको भी यही। अब ध्यान दीजिए, इस पे लिखा है नीट, तो यानी ये पूरा पेज पढ़ना है, सभी लोग ध्यान से सुन लें, ये पूरा पेज पढ़ना है, फिर लिखा है नीट तो पूरा पेज पढ़ना है, फिर लिखा है नीट तो पूरा पेज पढ़ना है,
फिर लिखा है नीट, तो पूरा पेज पढ़ना है। इस पे कुछ नहीं लिखा है, इस पे कुछ नहीं लिखा है तो ये नहीं पढ़ना है। फिर इस पे लिखा है नीट, तो ये पूरा पेज पढ़ लेना है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, यहां भी नीट, ये पूरा पेज, जिस पे नीट नहीं लिखा है नहीं पढ़ना है, ये भी जैसे नीट लिखा है पढ़ना है। उसके बाद एग्जांपल्स वही करने हैं जिस पर नीट लिखा है। जब पेज के ऊपर नहीं लिखा है और किसी एग्जांपल के ऊपर लिखा है तो वो एग्जांपल पढ़ना है। जैसे एग्जांपल वन पढ़ना है, टू पढ़ना है, थ्री, खैर ये तो आ ही गया तीनों। अब इस पे भी कंसेप्ट ऑफ, तो ये केवल इस पे हेडिंग लगा हुआ है नीट नीट, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी चला लोगे। फिर जैसे इस वाले ऊपर पेज पे लिख दिया गया तो हीट ट्रांसफर ऑफ सिस्टम, फिर नीट, ये पूरा पेज, फिर नीट। फिर देखिए ये नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, अपन साथ में मिल बांट के करेंगे। फिर इस एग्जांपल पे लिखा है नीट तो ये करना है, ये देखिए काट दिया मैंने, मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है। जिन पे नीट लिख दिया होगा वही करना है। पेज पे नीट लिखा है तो पूरा पेज पढ़ना है। ये हाउ टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी प्रोसेस, ये एग्जांपल काट दिया, नहीं करना है, एग्जांपल फोर, समझ गए। इस तरह जब आप इस 13 पेजेज का एवरेज निकालोगे तो 33 पेजेज का, तो लगभग 12-13 पेज आएंगे। तो क्या आपसे उम्मीद की जाए 12-13 घोल के पी जाएंगे? नहीं आज नहीं, फिर आज नहीं पढ़ना, मैं कह रहा हूं आज नहीं पढ़ना, ये अपन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कल, कल कल के बाद इस बुक को छूना है, ठीक है। आज इसको रख दो, आज भीग जाए, कल दिन भर भीगेगी, कल शाम के बाद, है ना, थोड़ा अंकुरित हो जाएगी तो फिर फायदा देगी, ठीक है। हाँ गौरी, अब गौरी को जैसे ही आता है शाम को पीना है, बुक को घोल के पीना है, शाम को पीना है, खुश हो गई। अरे विवेक भी आजकल ज्यादा खुश हो रहा है। ये देखो बेटा नीट, केवल कंसेप्ट इसका नीट का कंसेप्ट है। ये करनाट इंजन और साइकिल के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन। अब नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप सोल्यूशन, इसमें एक साथ तीन क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराया है, ठीक है। ये एक नहीं, ये तीन है। इसी तरह एक ही क्वेश्चन में पांच पांच क्वेश्चन होंगे, इसको ऐसा मत समझना कि ये एक पूछेगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। हाँ निश्रीन, आपको क्या पूछना है पूछिए। मॉडलिंग के क्वेश्चन करने इस वाले टॉपिक के? नहीं अभी थर्मोडायनेमिक्स के नहीं, आपको रेडिएशन और कंडक्शन में ही इतने मिल रहे हैं, वो बात समझ में आई? यस सर। तो एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स अपन कल पढ़ने वाले, और आइसोचोरी की कहानी सुनेंगे हम, चोरी करेंगे कैसे हुआ वो पता करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बाय बाय, कल मुलाकात होगी। ओके बाय बेटा।